देखिए नरेंद्र मोदी रखते और उन्होंने आपके सामने बताया कि देश में सीधी नियुक्तियां, नौकरी और रोजगार दोनों की गति कई गुना अधिक बढ़ गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, मोबाइल कंपनी को लेकर के, स्टार्टअप को लेकर के, मुद्रा को लेकर के, और आज लगभग 71,000 लोग नौजवानों को, बेटे और बेटियों को सरकारी नियुक्ति पत्र दी गई। ये एक अवसर है लोगों को आज देखने और दिखाने का। आप लोग नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, कुछ लोग चाय पीने के लिए दे रहे हैं, आप लोग इतने नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और यहाँ पे रोजगार को लेकर तमाम जो अभ्यर्थी हैं सड़क पे हैं और नीतीश कुमार जी दिल्ली में हैं चाय पी रहे हैं। नीतीश कुमार जी बेचारे अभ्यर्थियों को लाठियां खानी पड़ रही है, रोम जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है कि कहावत है वो कांग्रेस के दरवाजे खटखटा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, बच्चे लाठियां खा रहे हैं, शिक्षकों की नौकरी खत्म कर दी गई, अब उन्हें नए सिरे से फिर एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार का रोजगार नीति है। अब देश तय करेगा, देश ने तो तय कर लिया है 2024 में प्रधानमंत्री का पद नहीं खाली है। राहुल गांधी से मुलाकात की है, दिए जला रहे हैं, क्या रोजगार? 132 दिए जलाएं अच्छी बात है, लेकिन हर दिया जलाने वाला प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहा, अब 132 प्राइम मिनिस्टर पद कहाँ से आएंगे?